पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महाकाली सोसाइटी भोपाल और बघीरा जनरल रिसोर्ट मोचाकाना में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। सुश्री ठाकुर ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, शरीर के सभी रोगों का इलाज आयुर्वेद से संभव है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत भवन में एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। इसके पश्चात श्री मिश्रा ने एनएसजी के आईजी श्री रनाडे से राज्य के बल को प्रशिक्षित करने के संबंध में चर्चा भी की। जबलपुर में गिरफ्तार किया गया कुख्यात हिस्ट्री सीटर, जबलपुर पुलिस ने एनएसए के तहत रज्जाक को किया गिरफ्तार। दो प्रकरण भी पंजीबद्ध किए, भारी मात्रा में अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों से चर्चा की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश उपस्थित रहे और उन्होंने संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रीगण सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में सिहावल विधानसभा के ग्राम मायापुर में महंगाई, बेरोजगारी एवं किसान विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस का विशाल पैदल मार्च एवं जन जागरूकता रैली निकाली गयी। रसियादोन स्थित दलिया फैक्ट्री कर्मचारियों ने किया मंडला डिंडोरी मार्को जाम। हटाए गए 75 कर्मचारियों की वापसी की मांग कर रहे थे, साथ ही ठेकेदार के रूप में रखे जा रहे मजदूरों का किया जा रहा था विरोध। नगर की सड़कों पर अभी भी नहीं रुक रही आवारा मवेशियों की धम्मा चौकड़ी। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार इनके मालिकों पर कार्यवाही की बात तो की जा रही है, लेकिन परिणाम अभी भी शून्य ही है। 800 मीटर लंबी सड़क के लिए किया जा रहा 25 वर्ष लंबा इंतजार, अभी भी मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल तक की। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया था आश्वासन, नारायणगंज ब्लॉक की पड़रिया सड़क का मामला। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय कला संगम जबलपुर के कलाकारों द्वारा आज पद्मी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देश प्रेम का संदेश ग्रामीणों को दिया गया।